पेट्रोल पंप पे ये पीछे अंकुर भाई का एक न्यू कैफे ओपन हुआ है, पेट पूजा पिट स्टॉप हमारा ये फर्स्ट स्टॉप समझ लो, जहाँ पे हम थोड़ा सा मील्स खाएंगे फिर यहाँ से फिर हम निकलेंगे तो देखने की मिनी मिनी लद्दाख कौन सा है। तो गाइस हम लोग अभी निकल रहे हैं तो वही जा रहे हैं मिनी लद्दाख, जहाँ पे भी है डेस्टिनेशन तो पता नहीं, चलते हैं बाकी। अभी हम ये फरीदाबाद चौक में लेफ्ट जाओगे तो फरीदाबाद है और ये राइट हैंड साइड है, ये भोरा का रास्ता है भोरा। पता नहीं गाय हम कौन से गली के इधर से लेके आ गए रास्ते में, इन्होंने कहीं गूगल मैप तो लगा रखा है कहीं। पता नहीं कहते हम लोग यहाँ पे आ रखे हैं गलियों में, पता नहीं गूगल मैप के थ्रू अगर आ गए ये लोग तो पता नहीं कहाँ ही लेके आ गए होंगे। मतलब तो जैसा बोला था मिनी लद्दाख उतना वैसा अभी तो खास कुछ दिख नहीं रहा, बाकी देखते हैं। अंकुर भाई डीजे वाला वो है ना ऑफ रोड, तो गाइस ये है ऑफ रोड अपना। तो भाई जूते वूते भी सही पहने हुए मैंने, रोड देखो भाई ये लद्दाख कम स्पीति ज्यादा लग रहा मेरे को। अरे ये वो लेक है, कुछ ऐसा नजारा गाइस। तो वहाँ पे जाना जहाँ पे बाइक्स खड़ी हैं, हल्का सा डेंजरस है, पानी वानी है। तो भाई सैडलिंग वैडलिंग चल रही है मेरी, तो अकेला ऐसा लग रहा मैं ही सैडलिंग मार रहा हूँ।
ये खदान वदान थी कुछ ऐसा, मेरे को पता है। सो गाइज पता नहीं मेरे कैमरे में शूट हुआ कि नहीं हुआ एक्शन कैमरे में। तो अभी हम ये मिनी लद्दाख कहते हैं इसे। तो ये कोई माइन था फरीदाबाद में, सोना फरीदाबाद, बहुत लोगों को पता भी होगा ये लोकेशन। यहाँ काफ़ी बाइकर्स आते हैं। पहले तो मेरे को लगा पता नहीं मेरे कैमरा ओपन था कि नहीं था एक्शन कैमरा, वो मैं बाद में देखूंगा। तो रास्ता जो स्टार्टिंग से था वो ऐसा लगा गांव से थोड़ा सा रास्ता है, बट यहाँ पे आगे देखोगे तो बस ऑफ रोड है थोड़ा सा, आई थिंक ज़्यादा नहीं है ऑफ रोड, ऑफ रोड करीबन 500 मीटर समथिंग है। बाकी हल्की बाइक यहाँ से आराम से निकल जाएगी, डोमिनार वोमिनार है हमारी या एक्सपल्स जो भी कहो। बट जो हमारे साथ जो बाइक्स थी रॉयल इनफील्ड की, उनको हमने बोला कि ऊपर रुक जाओ, तो वो कहीं पे ऊपर रुके हुए हैं। इतना कैमरा में जस्टिस होगा नहीं, वो पीछे कहीं पे रुके हुए हैं। बाकी जगह सही है, बहुत बढ़िया है, ऑफ रोड थोड़ा बहुत था, मज़ा आया उसमें, लोकेशन भी बढ़िया है। तो ऐसा कुछ है, पूरा माइनिंग एरिया ऐसा ही है पूरा, और बारिश का पानी वानी भर भर गया है यहाँ पे, बस ऐसा लेक जैसा है थोड़ा बहुत। तो गाइस ऐसा कुछ लेक है यहाँ पे, ये तो डुबकियां मार रही है। हाँ काफी दूर गई थी वो तो एक कॉर्नर में आ चुके हैं। वो बंदा तो निकल लिया पानी में नहाते नहाते, लोकल नहाते हैं यहाँ पे, गहरा है वहां से काफी। वो बंदा कहाँ तक चला गया एकदम, वो टापू चढ़ रही है। सो गाइस अभी हम यहाँ पे काफ़ी घूम चुके हैं, ड्रोन शॉट्स हो गए, फोटोज हो गए लोगों के, तो अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे। बाकी और मैं एक बार एक शूज़ दिखाना चाहता हूँ जो मैंने लिए पिछले राइड पे मैं जब गया था, तो मैं बता रहा था कि काफ़ी ठंड हो रही है तो चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, पाँव एकदम ठंडे पड़ गए थे। तो मैंने एक शूज़ बॉट करे हैं अमेजोन से, सो मैं एक बार दिखाता हूँ। तो गाइस ये है पैराट्रॉपर के शूज़, तो शूज़ काफ़ी बढ़िया हैं। तो ये जो शूज़ दिखाए मैंने ये काइंड ऑफ आर्मी टाइप शूज़ हैं, आगे काफ़ी मोटा नकल है इसमें, तो जिससे मैं अभी ऑफ रोड थोड़ा बहुत जो मैंने करा उसमें मेरे को कोई इशू नहीं हुआ। हाँ थोड़ा और मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा अपना कोई एक अलग सा प्रॉपर वीडियो बना के इसमें। बाकी शूज़ में काफ़ी कम्फर्टेबल है, आज ये पहली बार मैं शूज़ पहना है इस राइड पर मैंने। सो गाइस हम यहाँ से अब निकल रहे हैं, तो ये फरीदाबाद के थोड़ा आगे है, किसी से भी पता कर लोगे, ये लेक साइड है, माइन स्टोरी है। मैं शो नहीं हूँ, कोई कहता है ऐसा मिनी लद्दाख कहता है नहीं कहता, बट लोकेशन अच्छी है, काफ़ी मज़ा है यहाँ पे, फोटो वोटो क्लिक का और काफ़ी फ़ोटो अच्छी आई हैं। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं और ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सो ऐसे अच्छे ब्लॉग्स के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो और मेरी वीडियोज़ देखते रहो गाइस, और वीडियो से जुड़े रहो। सो ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, तो बाय बाय, साइनिंग ऑफ दिल्ली फ्रॉस्ट ट्रैवल।